लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी साथ ही स्टार प्रचारक भी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा गोंडा लोकसभा के उतरौला विधानसभा क्षेत्र में नजर आया। आपको बता दें कि गोंडा लोकसभा के उतरौला विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का आगमन हुआ। एक निजी हॉल में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और उन पर गोलियां चलवाने वालों के बीच है। एक ओर धर्म ध्वज लिए भाजपा है तो दूसरी ओर सनातन विरोधी भ्रष्टाचारी दल। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में 2004 से 2014 तक हुए भ्रष्टाचार और घोटालों से पूरी दुनिया परिचित है। 2014 के बाद से देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ और विकास का डंका बजा। पहले की सरकारों में बिजली की बदतर व्यवस्था थी। दिन रात पाली के हिसाब से मात्र 6 घंटे बिजली मिलती थी। अब निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो रही है। सड़कें खस्ता हाल थी, अब पूरे देश में चमचमाती सड़कें मिल रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पंगु हो चुकी थी, अब हर व्यक्ति को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। अमृत योजना के तहत ओवरहेड टैंक का निर्माण कराकर हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में गाड़ी में जितना बड़ा झंडा लगा होता था, गाड़ी में उतना बड़ा गुंडा होता था। अब सारे गुंडे माफिया जेल में है। भाजपा को छोड़ सभी पार्टियों में परिवारवाद का चलन है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद का चलन नहीं है। यहाँ पर एक आम कार्यकर्ता पार्टी का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। 2014 से पहले सड़क किनारे शौच के लिए महिलाओं को शाम ढलने का इंतजार करना पड़ता था। मोदी जी ने महिलाओं की पीड़ा को समझा और हर घर को अपना शौचालय देने का काम किया। उतरौला से वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। गोंडा कोई साधारण धरती नहीं है। हमें अच्छी तरह याद है, अगर भारत की राजनीति पर नजर डाले, पूज्य अटल जी ने गोंडा की धरती को सींचने का काम किया। पूज्य अटल जी जब भी बदलाव को डालते थे, गोंडा के वरिष्ठ लोगों के साथ उनका संवाद होता था और अक्सर चर्चा करते थे अपने उद्बोधन में गोंडा का। गोंडा का राजनीतिक सामाजिक इतिहास बहुत पुराना है, चाहे जो स्वतंत्रता संग्राम हो या उसके बाद, हमेशा गोंडा राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, देश के साथ खड़ा रहा है। मैं गोंडा के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। वर्तमान में सिंधियों में जो चुनाव चल रहा है, एक तरफ रमजान के भव्य मंदिर को पिछले 10 वर्षों का तय रिकॉर्ड आपके सामने है। मोदी जी की सरकार का 14 से 24 तक का, और अगर हम पुराने इतिहास में न जाए तो कांग्रेस गठबंधन के भी 2004 से 14 तक का भी तय रिकॉर्ड आपके सामने है। चूंकि आप प्रबुद्ध वर्ग से होते हैं और जनता को इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे कि इस बार हिंदुस्तान में जो लड़ाई चल रही है वो भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों को ले जाने वाली माननीय मोदी जी के, और दूसरी तरफ अपनी बचकानी हरकतों से पप्पू बनने वाले राहुल गांधी के गठबंधन के बीच में है। ये पूरे देश में चर्चा चल रही है। आप जानते हैं माननीय मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन स्तर के ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। चाहे सबको पक्का मकान देने का मामला हो, सबके मन में इच्छा होती है, भले ही वो छप्पड़ में पैदा हो, खपड़े में पैदा हो, लेकिन जब दुनिया छोड़ करके जाए उससे पहले अपने बच्चों के लिए पक्का मकान बना करके देकर जाए। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने देश के, उत्तर प्रदेश के, गोंडा के, उतरौला के हर गरीब को पक्का मकान देने में सफलता हासिल किया। शौचालय छोटा सब्जेक्ट लगता है कि लैट्रिन बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया, लेकिन आजादी के 75 साल बीत गए, गोंडा की सड़कों पर, उतरौला की सड़कों पर हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारी बेटियां, हमारी
शाम का होने का इंतजार करती थी, जाएंगे तो मैदान जाएंगे, दैनिक क्रिया से निवृत्त होंगे। और मैदानी की हेडलाइन जब उनके चेहरे पर पड़ती थी, बिचारी इज्जत बचाने के लिए मुंह ढक करके खड़ी हो जाती थी, तब बारी निकलती थी। मोदी जी ने हमारी बहनों की पीड़ा को समझा। आज देश के गुंडा के उद्रमा के हर बहन के पास अपना शौचालय है। शौचालय देकर के मोदी जी ने बहनों को इज्जत से जीने का हक दिया। पीने के पानी के लिए कितनी दिक्कतें होती, पानी आएगा किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन मोदी जी ने उसे धरातल पर उतार करके दिखाने का काम किया। गैस कनेक्शन के लिए एमपी में ले जा हम लोग चक्कर काटते थे, गैस सिलेंडर बड़े आदमी के घर में रहता था, गरीब आदमी लकड़ी चूल्हे कंधे पर गोइठा पर खाना पकाते थे। हमारी बहने सैकड़ों सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था, बीड़ी का धुआं जाता था। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के माध्यम से हर गरीब माँ को निशुल्क गैस कनेक्शन देकर के उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम। तो हम आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह कहना हमारे वोट से या कहने विधायक जी के वोट से, ऐसे तो बन नहीं पाया। के बनाए मोदी जी का प्रधानमंत्री, किसने बनाए योगी जी को मुख्यमंत्री, कि आप लोगों के मेहनत, आप लोगों के दिन रात के मेहनत है, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, हमारे कार्यकर्ता तो 5-6 साल दौड़ा करते हैं अपने जनता के बीच में। हमारे जो पार्टी है आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी, इनके जो योजनाएं हैं वो आज तक जनता तक पहुंच रहे हैं, किराए पहुंच रही है और सारे काम लेके आप उनको देना मेहनत की जात है। नेता लोग जो उम्मीदवार होते हैं वो जो चुनाव के समय खुद दौड़े हैं, हम लोग खुद दौड़े हैं आज तक, लेकिन 5-6 साल हम उन लोग मेहनत करी है। 5-6 साल आपके विधायक जी मेहनत करते, तब आपको योजना पिछड़ा क्षेत्र आज हर गाँव कहीं कहीं सड़क से जुड़ गए,